हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग वी वाज डिस्कसिंग दैट प्री प्रीपोडिक प्रॉपर्टीज और सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनथेल्पी आयोनाइजेशन एनथेल्पी वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस वर्ड एंथेल्पी एंथेल्पी इज नथिंग बट इट इज एनर्जी पर मोल इफ़ यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल सब्सटेंस इट इज नोन एज एंथेल्पी ओके एंड वाट इज आयोनाइजेशन एंथेल्पी सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब हम लोग किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथेल्पी बोलते हैं तो इसमें भी कुछ सर्ट एन कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए फर्स्ट थिंग जो हमारा ऐटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए गैसियस स्टेट में होना चाहिए सेकेंड जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए वो किसी और एटम से कंबाइंड नहीं होना चाहिए कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ होना चाहिए ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एनर्जेसन एंथेपी की डेफिनेशन इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन Eject most loosely bounded, eject most loosely bounded or outermost electron from isolated gaseous atom. इफ़ आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसके आउटरमोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा लूजली बाउंडेड होगा न्यूक्लियस से उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथेल्पी ओके okay? तो एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल तो इसको आप या तो जूल पर मोल में डिफाइन कर सकते हैं या फिर किलोजूल पर मोल में ओके okay? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी किलोजूल पर मोल ओके okay. देन हम लोग फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंथेल्पी को इफेक्ट करने वाले। फर्स्ट हमारा फैक्टर है साइज आप दो केस लीजिए एक हमारा एटम है दो एटम है हमारे पास जिसमें एक की रेडियस छोटी है दूसरे की बड़ी है मीन्स एक का साइज स्मॉल है सेकेंड का थोड़ा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कहाँ से टफ होगा स्मॉल एटम से क्योंकि उसका न्यूक्लियस के है, पास में उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो जब इफ साइज स्मॉल होगा तो आइनाइजेशन एनथेल्पी क्या हो जाएगी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो हम बोल सकते हैं कि आइनाइजेशन एंथेल्पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज साइज जितना छोटा होगा आइनाइजेशन एंथेल्पी उतनी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड हमारा न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस में चार्ज इतना ज्यादा होगा चार्ज ज्यादा होने का मीन्स क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इफ प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं तो आयनाइजेशन एंथल्पी ज्यादा हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एंथल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ओके थर्ड हमारा है पेनिट्रेशन पावर पेनिट्रेशन पावर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास मोस्टली फोर सेल है एस पी इसमें एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है पेनिट्रेशन पावर का मीन्स क्या है कि जो एक सेल में हमारे जो फोर ऑर्बिटल होने वाले हैं एस पी डी एफ इसमें न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर एस ऑर्बिटल होगा इफ हम लोग थ्री थर्ड सबसेल की बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है थ्री एस है थ्री पी है एंड थ्री डी सब सेल है तो थर्ड सेल में भी सबसे क्लोज न्यूक्लियस के कौन सा होगा थ्री एस होगा देन नंबर आएगा थ्री पी का देन नंबर आएगा थ्री डी का तो मैं पेनिट्रेशन पावर बता रहा हूँ पेनिट्रेशन मतलब एक टाइप से अंदर जाना जैसे सीरेंज हमारी बॉडी में जब हम पेनिट्रेट करते हैं अंदर जाती है तो उसमें सेम फिनोमिना यहां है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है एस सबसेल की है देन हमारा पी देन डी और उसके लास्ट ही लास्ट कौन सा है एस तो आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एस से रिमूव करना सबसे टफ होगा क्योंकि एस है न्यूक्लियस के, के सबसे क्लोजर है ठीक है तो हम बता सकते हैं पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होगी तो हमारा आयनाइजेशन एंथेल्पी भी क्या होगी इंक्रीज होगी आयनाइजेशन एंथेल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर फोर्थ हमारा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इस इफेक्ट को समझते हैं सपोज़ मैंने एक एटम कंसीडर किया ठीक है ये हमारी सपोज आउटर मोस्ट सेल है इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमको रिमूव करना है ठीक है तो आप सोचिए इस सेल के जो अंदर वाली सेल्स से, हैं उसके अंदर भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस को क्या करना चाहिए अट्रैक्ट करना चाहिए और जो अंदर की जो सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन को वापिस से क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को वापस से रिपेल करेंगे बात समझ रहे हैं जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से उसको क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो जितना न्यूक्लियस को उसको अट्रैक्ट करना चाहिए था एक्चुअली में अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा ही नहीं क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको वापस से क्या कर दे रहे हैं रिपेल कर रहे हैं तो इस वजह से जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा हम ऐसा बोलेंगे जैसे मान लो फाइव प्रोटोन थे तो फाइव प्रोटोन को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था बट एक्चुअली में क्या हो रहा है जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो वापस से उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं मीन्स हम ऐसा भी सपोज़ कर सकते हैं कि फाइव प्रोटोन उसको अट्रैक्ट नहीं करें फाइव से कुछ कम प्रोटोन है जो उसको अट्रैक्ट करें या आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इसने न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शील्ड बना दी जिससे न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया वीक हो गया न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है तेके? तो आई होप आपको शील्डिंग इफेक्ट समझ आ गया होगा इफ शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो इन, क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एंथेल्पी कम हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एंथेल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथेल्पी उतनी कम हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस उतना ही कम इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा अट्रैक्ट कर पाएगा ठीक है और लास्ट हमारा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इफ किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस आपको पता है फॉर एग्जाम्पल मैं नियोन का एग्जांपल हूं तो नियोन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है पी सिक्स क्या है जो सबसेल है वो हमारी फुल फील्ड है हमने पढ़ा है ना हाफ फील्ड सब्सल एंड फुल फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल तो यहां से आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते इसके एनजे से भी क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है सेम केस आएगा हमारा नाइट्रोजन के टाइम नाइट्रोजन में भी क्या है आउटर में पी तो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा टफ होगा क्यों क्योंकि ये क्या है हाफ फील्ड सबसेल है इफ हम लोग सोचते हैं ना नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का तो नाइट्रोजन का आउटर कॉन्फिकेशन पी थ्री है ऑक्सीजन का आउटर कॉन्फिकेशन क्या है पी फोर है तो इफ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा वो पी थ्री जो स्टेबल बन जाएगा तो ईजिली रिमूव हो जाएगा बट नाइट्रोजन में ऑलरेडी क्या है पी थ्री तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा टफ होगा तो हम ऐसा भी बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है तो ये सब फैक्टर हैं जो आइनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले ठीक है अब हम लोग एनजेसन एनथेल्पी का ट्रेंड देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे मीन्स पीरियड में मूव करेंगे तो एनर्जेसन एनथेलपी कैसे वेरी होने वाली है और एक ग्रुप में मूव करेंगे तो एनर्जेसन एनथेल्पी कैसे वेरी होने वाली है हाँ तो बच्चों अब हम लोग ट्रेंड्स देख लेते हैं एनोजेस्टन एनथेल्पी का कि इसका ट्रेंड कैसे है फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन ए पीरियड ठीक है पीरियड में मैं सपोज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को एग्जाम्पल ले लेता हूँ कौन कौन है सेकेंड पीरियड में हमारा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियो ठीक है बच्चों बच्चों हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े ठीक है कौन कौन से फैक्टर पढ़े अभी एनर्जेस्टन एंथलपी को इफेक्ट करने के लिए हमने साइज़ पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा पेनिट्रेशन पावर पढ़ी हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा एंड हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन पढ़ा बट मैं जब भी कोई ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा तो मैं मेनली साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन को ही यूज करूंगा आपको ये दोनों इफेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है कौन कौन से इफेक्ट हमारे साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्योगेशन ठीक है तो हमको पता है वेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेज जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है क्यों क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होगा तो एटम छोटा हो जाएगा तो एनाइजेशन एनथेल्पी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो हमको लग रहा था मुझे फील हो रहा था ठीक है मैं ऐसा लिख रहा हूं कि मुझे फील हो रहा था कि इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है साइज डिक्रीज हो रहा है तो आइनाइजेशन एनथेल्पी इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे लगा था लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करूंगा तो आयनाइजेशन एनथेल्पी का ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा होगा ठीक है बट फिर मेरे दिमाग में अरे मैंने तो ये ऑर्डर डायरेक्टली ओनली साइज़ देख के निकाल दिया मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन भी तो चेक करना पड़ेगा तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन चेक करने गया तो मुझे पता लगा बेरिलियम का आउटर कॉन्फिगेशन एस टू है एस ऑर्बिटल क्या है फुल फील्ड है देन नाइट्रोजन का क्या है पी थ्री ये हाफ फील्ड है एंड नियोन का क्या है पी सिक्स है तो यहाँ बेरीलीम से नाइट्रोजन से एंड नियोन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा टफ होगा यहाँ पे हमारी आयनाइजेशन एनथेल्पी ज़्यादा लगेगी मींस बेरिलियम की आयनाइजेशन एनथेल्पी बोरोन से भी क्या होगी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनथेल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और नियोन की तो वैसे भी सबसे ज़्यादा नोबल गैस है ठीक है तो एक्चुअली में ऑर्डर क्या हो जाएगा रियल ऑर्डर क्या होने वाला है हमारा आयनाइजेशन एनथेल्पी का सबसे कम किसकी होगी लिथियम की देन हमारा आ जाएगा बोरोन देन हमारा बेरीलियम देन कार्बन कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा कौन आएगा बच्चों ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन फ्लोरीन और लास्ट ही लास्ट कौन आ जाएगा हमारा नियोन ओके तो ये ऑर्डर है इसका ग्राफ आपको याद करना होता है मैं बना देता हूँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ आयनाइजेशन एंड वर्सेस एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं ठीक है ठीक है सबसे कम आइनोजेसन सबसे पहला एलिमेंट कौन है हमारा लिथियम देन कौन आता है बेरिलियम देन बोरोन बोरोन के बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड या नियोन ना तो आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं सबसे कम आइनोजन एंथैल्पी किसकी है लीथियम की है ठीक है देन बोरोन की देन हमारा बेरिलियम देन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन नीगोन ठीक है अच्छा आयनाइजेशन एन्थेल्पी का जो सिंबल है एंथेल्पी को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच है से ठीक है एनथेल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा एच से और आयनाइजेशन एनथेल्पी को डेल्टा के नीचे सब्सक्रिप्ट में आपको आई लगा देना है ये सिंबल है किसका आयनाइजेशन एनथेल्पी का और शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको क्या यूज़ करता हूँ आइनाइजेशन एंथेल्पी के लिए आई ठीक है तो हमने पीरियड में ट्रेंड देख लिया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज तो हो रहा है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ नहीं है बीच बीच में कहीं क्या हो रहा है डिक्रीमेंट आ रहा है किस वजह से डिक्रीज हो रहा था बीच बीच में क्योंकि यहाँ हम किस को भी कंसिडर करें साथ में साइज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को ठीक है अब हम लोग मूव करते हैं ग्रुप में ग्रुप में हम लोग मूव कैसे करेंगे टॉप टू बॉटम ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आप सपोज फर्स्ट ग्रुप को चूज कर लेता हूँ लीथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम, सीडियम आप कोई और सा और भी ग्रुप को यूज कर सकते हैं ऑर्डर सेम रहेगा ठीक है तो देखिए क्या होने वाला है जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होने का मैं सील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से हमारा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आइनाइजेशन एंथल क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आइनाइजेशन एंथल क्या होने वाली है डिक्रीज होने वाली है ऑर्डर क्या हो जाएगा ये ऑर्डर डिक्रीजिंग हो जाएगा ठीक है नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे इफ आप साइज से सोचते ठीक है।, है तो हम सोचते टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है आइनाइजेशन एंथल डिक्रीज हो रही है ठीक है तो ये हमने कुछ देख लिया अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं हमारी फर्स्ट आइनाइजेशन एनथेल्पी सेकेंड आइनाइजेशन एनथेल्पी ता एंड थर्ड आइनाइजेशन एनथेल्पी को सपोज मेरा कोई आइटम ए है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करूंगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ए प्लस में और साथ में हमको क्या मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमने एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ये क्या है हमारी आयनाइजेशन एंथेल्पी कौन सी आयनाइजेशन एनथेल्पी है ये कितनी एनर्जी डी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा एच वन वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन आइनाजेशन है अब क्या होगा जो हमारा ए प्लस बन गया जब मैं अब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा ए टू प्लस और साथ में मिलेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन इस टाइम जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये हमारी क्या है सेकेंड आयनाइजेशन एंथल्पी है इफ मैं ए टू प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा ये क्या बन जाएगा हमारा ए थ्री प्लस बन जाएगा और साथ में क्या मिलेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना ये है हमारी क्या है थर्ड आइनर तो आप सोचिए जब हम भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं कैटाइन बनता है तो कैटाइन के टाइम हमने बताया था लास्ट प्रीवियस क्लास में कि साइज़ क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है क्यों डिक्रीज़ होता था क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते थे इंक्रीज़ हो जाते थे तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है और इफ़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनथेल्पी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो इनकी आयनाइजेशन एंथेल्पी का ऑर्डर क्या होगा सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी मिलेगी आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनथेल्पी की सेकेंड आयनाइजेशन एनथेल्पी उससे बड़ी होगी और थर्ड आयनाइजेशन एनथेल्पी दूसरी वाली से भी बड़ी होगी मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनथेल्पी जो है वो ऑलवेज क्या होती है इंक्रीज होती है क्योंकि आपका जो फर्स्ट एटम था ए सेकेंड ए प्लस है थर्ड वाला ए टू प्लस है तो इसमें ए से इलेक्ट्रॉन निकाला ईजी है क्योंकि क्या है साइज थोड़ा बड़ा है जब ए प्लस बन गया तो साइज़ क्या हो गया डिक्रीज हो गया एन एजेशन एंथल इंक्रीज हो जाएगी ए टू प्लस साइज और ज़्यादा डिक्रीज हो गया साइज और ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो एनइजेशन एंथल और इंक्रीज हो गई ठीक है तो ये कुछ है तो हमको पता है कि सक्सेसिव एनजेशन एंथल इंक्रीज तो होती है बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि वहाँ में जो इंक्रीमेंट तो है वो ज़्यादा है लार्ज डिफरेंस है ठीक है जैसे क्वेश्चन लिखा है मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन ठीक है फाइंड द एलिमेंट विच हैव ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आइनरजेसन एंथल लार्ज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आइनरजेसन एंथल पे मतलब किसमें लार्ज डिफरेंट है डेल्टा एच वन और डेल्टा आई एच टू इनमें क्या है लार्ज डिफरेंस है ठीक है चलो एक, कुछ एटम्स एग्जाम्पल में दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल आपको सोडियम लिखा हुआ है मैग्नीशियम लिखा हुआ है एल्यूमिनियम लिखा हुआ है डी सिलिकॉन लिखा हुआ है ठीक है तो अब आपको देखना है कि किसमें फर्स्ट और सेकेंड आइनाइजेशन एनथेपी में डिफरेंस क्या होगा लार्ज होगा ठीक है मुझे पता है आंसर सोडियम है मैं सोडियम को जस्टिफाई कर देता हूँ क्यों है क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखिए क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन तो जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो कहाँ से रिमूव होने वाला है एस वन से थ्री एस वन से तो आपकी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाला है ये किसका कॉन्फिगेशन है बच्चों ये हमारे नियोन का कॉन्फिगेशन है स्टेबल कॉन्फिगेशन है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाला है और टू पी से रिमूव होने वाला है तो फर्स्ट में जितनी एनर्जी लगी सेकेंड में ज्यादा तो लगती है बट इसमें कुछ ज्यादा ही ज्यादा लग जाएगी समझ रहे हो बात को क्यों क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा था हमारी थर्ड सेल से हो रहा था और ये इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव हो रहा है हमारी सेकेंड सेल से और सेकंड सेल में भी पी सिक्स स्टेबल कॉन्फिकेशन है तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड एन एज में भी डिफरेंस क्या होगा ज्यादा होगा सेम इफ मैग्नीशियम के लिए देखें हम लोग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन क्या हो जाएगा मैं नोबल गैस की टर्म्स में लिखूंगा तो एनी थ्री एस टू मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव होगा सेकेंड भी एस से रिमूव होगा तो डिफरेंस तो होगा सेकेंड आइनाइजेशन एनथेलपी फर्स्ट से ज़्यादा होगी बट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट थर्ड इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होने वाला है वो कहाँ से होने वाला है नियोन से ना पी सिक्स से होने वाला है तो मैग्नीशियम की सेकेंड आइनाइजेशन एंथेल्पी एंड थर्ड आइनाइजेशन एंथेलपी में डिफरेंस क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है सेम इफ हम, हम एल्यूमिनियम के लिए बात करें तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या हो जाएगा गुण। एनी थ्री एस वन थ्री पी वन तो फर्स्ट सॉरी थ्री एस टू थ्री पी वन तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां से रिमूव होगा पी वन सेकेंड से। इलेक्ट्रॉन आपका एस टू से थर्ड इलेक्ट्रॉन एस वन से और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा मतलब इसका थर्ड और फोर्थ एंथैल्पी में डिफरेंस क्या होगा लार्ज होगा मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट और सेकेंड में तो आंसर क्या हो गया सोडियम इफ मैं सेकेंड थर्ड पूछता तो आंसर हो जाता मैग्नीशियम ठीक है इफ़ आपको बोले फर्स्ट और सेकेंड में लास्ट डिफरेंस है तो समझ जाइएगा वो एलिमेंट क्या होगा वो एलिमेंट हमारे फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए मैं बोल दूँ कि सेकेंड और थर्ड में लास्ट डिफरेंस है तो वो एलिमेंट हमारा सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए मैग्नीशियम आंसर हो जाता ठीक है इफ मैं यही थर्ड के लिए बोल देता तो क्या हो जाता एल्यूमिनियम हो जाता ठीक है तो ये ऑर्डर आप याद रखिए थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस पूछता तो आंसर एल्युमिनियम हो जाता ठीक है सो स्टूडेंट आवर थर्ड प्रियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके एनथेल्पी वी ऑलरेडी डिस्कस इट इज़ डिफाइंड फॉर वन मोल ओके इलेक्ट्रॉन गेन इससे आपको क्या पता चलेगा जब कोई आइसोलेटेड गैस या एटम एन में चेंज होगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होने वाली है जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होने वाली है वो हमारी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी ठीक है बच्चों वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है लास्ट टाइम मैंने जब आयनाइजेशन एनथेलपी बोली थी तो उसमें बोला था द एनर्जी रिक्वायर्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों क्योंकि उस टाइम ऑलबी एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी बट इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी में तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ईजी एच से यह आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव कब होगी जब हम लोग एनर्जी को क्या करेंगे सप्लाई करेंगे ठीक है इफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ठीक है या फिर आप बोल दीजिए इफ एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं सप्लाई करें ठीक है तो ये क्या होगी पॉजिटिव होगी और इफ एनर्जी रिलीज हो रही है इफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी कैसी होगी नेगेटिव होगी ठीक है तो हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं इट इज एनर्जी इन्वॉल्व वेन When an electron is accepted by isolated gaseous atom, isolated gaseous atom. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथल पढ़ने के लिए हमको एक और टर्म को जानना पड़ेगा वो है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी का मतलब क्या है एफिनिटी मीन्स अफेक्शन लव अट्रैक्शन ठीक है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स कुछ कुछ जो हमारे एलिमेंट्स है या एटम्स है उनको क्या होता है इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं उनको इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो कुछ भी एनर्जी को हमको सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी वो खुद से क्या कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है तो उनके लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है पॉजिटिव है जो खुद से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं कौन करेगे इलेक्ट्रॉन को अपने आप अट्रैक्ट नॉर्मली हमारी नॉन मेटल्स ठीक है और कुछ के लिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है नेगेटिव जो मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो कौन होंगे हमारे मेटल्स ठीक है या आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए वर्ड हाई पॉजिटिव के लिए आप हाई लिख सकते हैं और नेगेटिव के लिए आप क्या लिख सकते हैं लेस येलो इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है इफ़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एनथल्पी नेगेटिव हो जाएगी ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी ठीक है और इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है मींस इलेक्ट्रॉन को वो अपने आप एक्सेप्ट नहीं करने वाला तो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी कैसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी पॉजिटिव हो जाएगी हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है ये फॉर्मूले को याद रखिएगा बच्चों डेल्टा ई जी एच इक्वल टू माइनस ई ए वेर ई ए डी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अब हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जिसपे हमारी इलेक्ट्रॉन गंतर भी डिपेंड करने वाली है ठीक है कौन कौन से फैक्टर है फर्स्ट हमारा साइज ठीक है फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा साइज अच्छा इससे पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनथेरेपी के बारे में ठीक है मेनली इलेक्ट्रॉन गेन एनथेरेपी को हम लोग नॉन मेटल्स के लिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी एक्सेप्ट करेगी और एनर्जी को रिलीज़ करेगी मेनली कौन कौन से ग्रुप के लिए पढ़ते हैं हम लोग फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन्थ ग्रुप के लिए पढ़ते हैं ठीक है आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा है कॉन्फिकेशन पढ़ा है तो हमें याद है कि स्टेबल कॉन्फिगेशन कौन कौन सा था हमारा P3 थ्री एंड पी तो ना तो P3 थ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ना P6 सिक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा तो आपको याद होगा कि जो एटीनथ ग्रुप है उसका कॉन्फिगेशन क्या है P6 और फिफ्टींथ ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या है P3 तो फिफ्टीन्थ ग्रुप और एटीनथ ग्रुप दोनों के लिए आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी कैसी होने वाली है पॉजिटिव होने वाली है हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ठीक है और जो आपका सिक्सटींथ एंड सेवनटीन्थ ग्रुप है इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथल क्या होने वाली है नेगेटिव होने वाली है ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथल नेगेटिव होने वाली मैं जब भी बोलूंगा आपको समझना होगा जब मैं जब भी बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथल इंक्रीज हो रही है ठीक है तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथल नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि मैं किसके लिए स्टडी कर रहा हूँ मेनली सिक्सटी एंड सेवनटीन ग्रुप के लिए कर रहा हूँ ठीक है मैं किसके लिए स्टडी करूँगा मेनली सिक्सटी एंड सेवनटीन ग्रुप के लिए स्टडी करूंगा तो जब भी मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी इंक्रीज हो रही है मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एनथल्पी मोर नेगेटिव हो रही ठीक है थेके? अब ये फॉर्म कंपेयर करें सिक्सटीन एंड सेवनटीन ग्रुप में तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनथल्पी ज़्यादा होने वाली है सिक्सटीन ग्रुप का आउटर कॉन्फिकेशन पी फोर है और सेवनटीन का क्या है पी फाइव तो इलेक्ट्रॉन को कौन इजीली एक्सेप्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को हमारा सेवनटीन ग्रुप इजीली एक्सेप्ट करना चाहेगा क्योंकि इफ इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये पी फाइव किस में कन्वर्ट हो जाएगा पी सिक्स में ना बात समझे इफ हमारा जो फ्लोरीन है इफ़ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एफ माइनस में चेंज हो जाए तो फ्लोरीन का कॉन्फिगेशन था पी फाइव और एफ माइनस का हो गया पी सिक्स स्टेबल कॉन्फिगेशन हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट करेगा ईजीली एक्सेप्ट करेगा तो मोर एनर्जी रिलीज करेगा ठीक है तो हम बता सकते हैं कि हमारे जो सेवनटीन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंटलपी सिक्सटीन ग्रुप से क्या होती है ज़्यादा होती है ठीक है ज्यादा होने का मतलब क्या है मैंने बता दिया क्या होती है मोर नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ सेवेंटीन ग्रुप इज मोर नेगेटिव कंपेयर टू सिक्सटीन ग्रुप ठीक है अब हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जिसपे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एनथलपी डिपेंड करने वाली है फर्स्ट हमारा साइज ठीक है इफ एटम छोटा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा ना इजीली एक्सेप्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनथलपी मोर नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एनथलपी ज्यादा होगी ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ठीक है और हम बोल रहे हैं छोटा होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल ज्यादा होगी ज्यादा होगी होगी मोर नेगेटिव ठीक है ये आपका साइज लेस है तो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी क्या हो गए वाली आपकी मोर नेगेटिव होने वाली मोर नेगेटिव ठीक है सेकेंड हमारा न्यूक्लियर चार्ज ठीक है सेकेंड हमारा क्या है न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज में हम क्या पढ़ेंगे इफ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो एटम क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा उसके लिए भी इफ़ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेनेंतल भी क्या होने वाली है मोर नेगेटिव होने वाली है मतलब ज्यादा होने वाली है ठीक है और थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक है अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन का फंडा हमने पहले ही पढ़ लिया है इफ़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ चाहेगा इफ उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी होगी जैसा कि हमारे फिफ्टीन एंड एटीन ग्रुप में हो रहा है ठीक है फिफ्टीन और एटीन ग्रुप का कॉन्फिगेशन क्या है स्टेबल है तो हम लोग क्या करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एड करेंगे तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंड फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द ट्रेंड्स इन ए पीरियड वेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन ए इन पीरियोडिक टेबल कहाँ से कहाँ मूव करना है हमको लेफ्ट टू राइट मूव करना वैन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज है ना साइज क्या होता है डिक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होने से एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एन थलवी क्या हो जाएगी मोर नेगेटिव हो जाएगी ठीक है तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथल भी आपकी क्या होने वाली है मोर नेगेटिव होने वाली है ठीक है तो आपको याद रखना है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं जो पहले तो हमारी मेटल्स है सोडियम मैग्नीशियम या लिथियम वाले ग्रुप में देख लीजिए लिथियम बेरिलियम बोरोन ना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ठीक है तो हम जो ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक पढ़ रहे हैं सेवनटीन्थ ग्रुप तक ठीक है क्योंकि साइज़ का भी ट्रेंड हमने सेवनटीन्थ ग्रुप तक ही पढ़ा था तो आप जब लिथियम से फ्लोरिन तक मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथल क्या होती जाएगी मोर नेगेटिव होती जाएगी ठीक है सबसे ज्यादा नेगेटिव इसमें मिलेगी फ्लोरिन में उसके बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन और जैसे जैसे पीछे जाओगे सबकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी सेकेंड हम लोग पढ़ लेते हैं इन्हें ग्रुप ठीक है ग्रुप में भी हम लोग पहले ही बात कर ली हम मेनली किसका डिस्कशन करने वाला है सिक्सटीन एंड सेवेंटीन ग्रुप का क्योंकि इनके लिए ही हमको इलेक्ट्रॉन गेनेंतल तो भी मेनली पढ़नी है क्योंकि यही एटम है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एनाइंस बनाना चाहते हैं ठीक है तो बात करें इफ मैं एग्जाम्पल ले लूँ हमारा सेवनटीन ग्रुप का कौन कौन है इसमें फ्लोरिन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन, ओके तो मैं क्या सोच रहा था मैं पहले बताता हूँ मैं सोच क्या रहा था और रियल में क्या होता है मैं सोच रहा था जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन इज़ीली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो छोटा एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेंदलपी मोड नेगेटिव होने वाली है तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथल किसकी होने वाली है फ्लोरीन की होने वाली है बट ये ऑर्डर गलत है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेने एंथल फ्लोरीन की नहीं होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेने एंथल क्लोरीन की होती है उसके बाद नंबर आता है फ्लोरीन का देन ब्रोमीन देन आयोडीन अब ये ऑर्डर चेंज कैसे हो गया क्योंकि हमको पता है कि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्या है एक्सेप्शनली स्मॉल है फ्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है हमको पता है पूरे सेकेंड पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है और एक तो साइज़ स्मॉल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने नाइन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज़्यादा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज़्यादा है तो जब नया इलेक्ट्रॉन एंटर करने का ट्राई करेगा तो ये नाइन इलेक्ट्रॉन इसको वापस क्या करेंगे रिपेल करेंगे ठीक है तो फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो सबसे ज़्यादा करता है बट एक्सेप्ट नहीं कर सकता इजीली क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या होने लगता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपलसन होने जा लगता है इलेक्ट्रॉन वापस से उसको क्या करने लगते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है उसको रिपेल करने लगते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंटलपी किसकी होती है क्लोरीन की होती है देन फ्लोरीन आता है देन ब्रोमीन देन आयोडीन ठीक है बच्चों तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स